डलहौजी के गर्म सड़क मार्ग पर बंदरों के हमले से एक व्यक्ति घायल हो गया। सूचना के मुताबिक आर्यन पुत्र रवि कुमार, जो कि सदर बाजार डलहौजी का निवासी है, अपने घर से गांधी चौक की तरफ काम पर जा रहा था कि गर्म सड़क पर बंदरों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वह सड़क किनारे से नीचे खाई में गिर गया। इस दुर्घटना में आर्यन को गंभीर चोटें आई। उसके चीखने की आवाज़ें सुनकर स्थानीय निवासी चमन एवं जतिन ने खाई में से घायल को बाहर निकाला और डलहौजी सिविल अस्पताल पहुंचाया और उसके घर वालों को भी सूचना दी। इस दुर्घटना में आर्यन की आंखों, बाजू, सर सहित कई जगह पर आई है, जिससे डलहौजी सिविल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर अवस्था को देखते हुए टांडा रेफर कर दिया गया है। मामले की पुष्टि थाना प्रभारी डलहौजी अनिल कुमार ने की है। घायल के परिजनों एवं स्थानीय निवासियों ने प्रशासन एवं वन विभाग से पुरजोर मांग की है कि डलहौजी में लगातार बढ़ रहे बंदरों के आतंक पर शीघ्र काबू पाया जाए और गर्म सड़क पर रैलिंग भी शीघ्र लगाई जाए। मैं चमनलाल जी, मैं अपने क्वार्टर के बाहर खड़ा था, कुछ काम कर रहा था। सुबह करीब 11 बजे का टाइम था। ये आर्यन नाम का लड़का और इसके साथ एक लड़का और था जतन, जिसने अपना नाम जतन बताया, तो इनके पीछे काफ़ी बंदर पड़े हुए थे। तो आर्यन बंदर के हमले से नीचे गिर गया। जैसे ये नीचे गिरा तो हमने उठाया और इसको हॉस्पिटल में लेके आए। तो उसके आँख में और टांगों में चोटें आई थी, पीठ में ये दर्द बता रहा था। तो उसको हमने हॉस्पिटल में छोड़ा, चले गए थे हम वापस। डलहौजी से आपका फैसला के लिए अश्विन साहिल की रिपोर्ट।